हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने फ़ोन पर एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, अगर अपने फ़ोन एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन कर रहे हैं, अगर गाइस आपके फ़ोन पर एप्लीकेशन में इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ रहा है, यहाँ पे गाइस इस तरीके से लिख रहा है कंप्लीट योर प्रोफाइल का, इस तरीके से गाइस अगर ऑप्शन आ रहा है, मतलब फ़ोन पर अगर आपसे खुद कह रहा है कि आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर लिए। सो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन एप्लीकेशन में इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है, तो गाइस अपने प्रोफाइल को आप कैसे कंप्लीट करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों, आज की सुबह आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाले, करके दिखाने वाले हैं कि गाइस अपने प्रोफाइल को आप कैसे कंप्लीट करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपने फोन एप्लीकेशन को ओपन करना। ओपन करने के बाद में अब आपको अपने प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में गाइस आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा कंप्लीट योर प्रोफाइल का। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे क्लिक करना पड़ेगा कंप्लीट योर प्रोफाइल वाले ऑप्शन में। दोस्तों, आपको नीचे एक ऑप्शन है यहां पे कंप्लीट प्रोफाइल को, तो आपको इस पे क्लिक करना है कंप्लीट प्रोफाइल पे। सो दोस्तों, जैसे आप इसे कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे, तो अब आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके सामने पे डाटा प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा, यहां पे मैनेज डाटा का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा, जेंडर, एज, यहाँ पे गाइस अगर आपका मतलब शादी हुए तो शादी, अगर आपका हुआ है तो सिंगल, नहीं तो अनमैरिड, फैमिली मेंबर्स। सो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको धीरे धीरे आपको सभी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है आपको फिल करना। फिल करने के बाद में जैसे कि सब मेरा जो जेंडर क्या है, मैं हम इस पर क्लिक करेंगे जेंडर पे। जेंडर पे क्लिक करने के बाद में सब आपके सामने पे मेल, फीमेल, अदर्स का ऑप्शन आएगा। सो दोस्तों, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने नेक्स्ट स्टेप ओपन होकर के आ जाएगा। जैसे कि आपका एज कितना है, तो आपको अपना एज आपको डाल देना कि गाइस आपका एज कितना है। जैसे कि मेरा जो एज है 18 साल है, तो 18 साल डाल देंगे। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में सब आपके सामने अगले इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। गाइस यहां पे कह रहा है अगर आपका शादी हुआ है, मैरिड, मैरिड पे क्लिक करना है। अगर आपका नहीं हुआ है तो आपको यहां पे सिंगल पे क्लिक करना है। तो गाइस मेरा शादी नहीं, तो हम सिंगल पे क्लिक कर देंगे। अब आपको नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में सब आपके सामने फिर से अगला इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। सो गाइस इस पे आपके फैमिली कितने मेंबर्स हैं, यहां पे गाइस चिल्ड्रन, पेरेंट्स आपको चूज करना पड़ेगा। तो हम पेरेंट्स चूज करेंगे। पेरेंट्स चूज करने के बाद में आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में क्या सब आपके सामने फिर से अगला इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे अगर गाइस आप यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, सो दोस्तों अब आपके सामने इस तरीके से अगला इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। सो दोस्तों, अब आपके सामने इस तरीके से अगला इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपका खुद का घर है तो आपको क्लिक करना, करके आप रेंट पे रहना है तो आपको यहाँ नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप ऐसे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, तो अब आपके सामने फिर से कैसे यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है डू यू, यहाँ पे। सो फाइनली दोस्तों, मेरा प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हो रहा है सबका यहाँ पे आंसर दे दिए हैं। आपको सही तरीके से फिल करना है। फिल करने के बाद में कि आपको जो यहाँ पे अपने फ़ोन पे प्रोफाइल को इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको कंप्लीट करने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो डायरेक्टली आप मुझसे इंस्टा एंड फेसबुक के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हो। इंस्टा एंड फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।